दोस्तों सुबह हम बात करेंगे केपी थ्री आर कॉइन कीप थ्री आर नेटवर्क कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की ताकि वहाँ पर उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स रहेंगे। तो जो इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। करेंटली कॉइन 64 यूएसडी पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डिप एक अच्छे डाउन ट्रेंड के अंदर वापस इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है, और जिन लोगों ने प्रीवियसली इस कॉइन में एंट्री मिस की है, प्रॉफिट अर्न नहीं किया है और एक अच्छे लेवल पर इस कॉइन को बाय करने का वेट कर रहे हैं, तो ये जो लेवल है अभी करेंटली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ओवरऑल अल्ट्स कॉइन में हमें देखने को मिल रही है, जिसमें जो अच्छे कॉइन्स है, जो डीफाई के कॉइन है, जो पोटेंशियल कॉइन, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। तो KP3R कॉइन जो है वो 64 USD पर ट्रेड कर रहा है। डेली का चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पर इसको 62 USD वाला जो एरिया है एक अच्छा सपोर्ट एरिया। देखिए FTX कोलैप्स से पहले इस कॉइन ने एक अच्छी रिकवरी की थी, जहाँ पर इसने 119 USD वाला एरिया ट्राई किया था, फिर करेक्शन देखने को मिला और 70 से लेके 72 74 75 USD के अराउंड में ये कॉइन स्टेबल था, वहाँ से ऊपर की तरफ मूव भी किया था और उस टाइम पर हमने इस कॉइन ने 70 USD के अराउंड में एंट्री ली थी, 70 72 के अराउंड में एंट्री ली थी और वहाँ से मूव भी किया था। लेकिन अभी करेंटली कर देखिए तो करेक्शन है, एक अच्छा करेक्शन है, अच्छी डिप है और जो लेवल था, अरे यार सॉरी KP3 64 USD पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है अभी करेंटली, तो एक अच्छा लेवल है और इस लेवल पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है इसको मिस नहीं करना चाहिए। करेंटली स्टेबिलिटी भी है, दो तीन दिनों से यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर ये कॉइन स्टेबल भी है 62-64 वाले लेवल पर, और 62 USD का अच्छा सपोर्ट एरिया इसने मेंटेन किया हुआ है। तो जो एंट्री देख रहे हैं उनके लिए अभी करेंटली 64 USD यानी कि जहाँ पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है 64-64.2, जब हो सकता है आप वीडियो को शाम को देखें तो 63.5 पर भी ट्रेड, तो 64 के अराउंड में यानी 64 के अराउंड में 63 और 65 इस लेवल पर आप इसको एंट्री ले सकते हैं, बहुत अच्छा लेवल है। उसके बाद एंट्री आपको लेनी है ओवरऑल 80% पार्ट से, जो भी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं उसके 80% पार्ट से आपको एंट्री लेनी है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है, कुछ चीजें इस टाइप की होती है कि ये वापस नीचे के लेवल्स को यानी जो कल इसने ट्राई किया था 61 या 60 USD या 59 को ट्राई करता है, तो आपको सेकंड एंट्री लेनी है 60 USD पर। एक बाय लिमिट आपकी 20% जो पार्ट बचाएंगे उससे होनी चाहिए, वो आपकी रहेगी 60 USD। इस टाइप से 80-20 के रेशो में आपको एंट्री लेनी है। टारगेट्स की अगर बात करें तो यहाँ से आपके लिए क्विक टारगेट जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे उनके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 78 USD, जहाँ तक आपको ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा 84 USD। 78 और 84 पर आपको 60-40 के रेशो में सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करना है। सेल लिमिट आपको लगा देनी है जब आप बाय कर लेंगे, उसके बाद आपको सेल लिमिट पुट कर देनी है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिनका शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है, उनके लिए टारगेट रहेगा 90 USD। देखिए ऊपर की तरफ इस कॉइन को 75 USD वाला जो एरिया है वो रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि पहले इसके लिए सपोर्ट एरिया था 74-75 के राउंड में, तो अब इसको एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलेगा वहां से, और उसके बाद सेकंड जो है वो 90 USD वाला एरिया है, ये भी इसके लिए पहले सपोर्ट था FTX कोलैप्स से पहले। तो ये दोनों लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो शॉर्ट टर्म में आपको वहां पर 90 वाला फेस करने को मिलेगा और यहां पर ट्रेडिंग में अगर देखें तो 74-75 वाला एरिया इसको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो दोनों आपको टारगेट्स जो है वो ना आपको बताए हैं कि सेल लिमिट आपको पुट कर देनी है। लॉन्ग टर्म अगर आप इस कॉइन को होल्ड करते हैं तो डीफाई का कॉइन है, पोटेंशियल कॉइन है, डीफाई की तरफ अभी जो मूवमेंट हुआ था FTX कोलैप्स के बाद, तो एक अच्छी रिकवरी डीफाई के जो टॉप कॉइंस या फिर डेक्स जो है उनमें देखने को मिला था, तो ये भी आने वाले दिनों आपको एक अच्छा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में देकर जाएगा। अगर यहां से देखें वन ईयर का पर्सपेक्टिव लेके चले, BTC 25,000-28,000 USD पर भी ट्रेड करता है, ये कॉइन आपको मिनिमम 250 से लेके 300-350 USD पर ट्रेड करता हुआ आराम से दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर इसकी टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 425,000 यानी कि 425,000 इसकी टोटल सप्लाई है, सर्कुलेटिंग में भी ओवरऑल सारे कॉइन्स हैं, तो इससे हमें और भी
कॉइन्स के रिलीज होने के चांसेस नहीं है, जिससे कि प्राइस में डंप, एकदम से डंप वाली चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक अच्छी बात है। बाकी जो नए इन्वेस्टर है वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएँ, क्रिप्टो लॉसेस को मैनेज कर पाएँ। अगर आप पहले से लॉस में है तो ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएँ। किसी आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट स्किल डेवलप करनी है, सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो जो नए इन्वेस्टर है वो ज्वाइन ज़रूर करें। इंस्टा पर लिंक है, इंस्टा पर डीएम करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इंस्टा के लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको यहाँ पर ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के वीडियोज आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। थैंक यू।